तो यहां पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द कांस्टेंट ऑफ टैकोमेट्री। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, के होता है जिसको हम एफ अपन आई भी बोलते हैं, ये पता करना है। और दूसरा कांस्टेंट क्या होता है, एडिटिव कांस्टेंट एस होता है, सॉरी एस बोलता हूँ, हाँ एस इसमें बोलेंगे, के एस प्लस सी, सी पता करना है, सी से इंडिकेट करते हैं, और इसको एफ प्लस डी भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारा जनरल जो इक्वेशन होता है ना, जनरल जो इक्वेशन है कांस्टेंट फाइंड आउट करने का, वो है डी इक्वल टू के एस प्लस सी, जिसमें से के तुम्हारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है और ये तुम्हारा एडिटिव कांस्टेंट है। अब इसके लिए एस पता करना पड़ेगा, तो मैं पहले वाले के लिए इसके लिए एस वन पता कर लेता हूँ, ठीक है, पी से क्यू के लिए ऐसे कर सकता हूँ ना, फॉर क्यू के लिए मैं निकाल रहा हूँ एस वन, मैं निकालूंगा तो इसमें से इसको टॉप में से बॉटम वैल्यू को मैं माइनस कर देता हूँ, और कैल्सियम में भी आप देखते जाएंगे, ठीक है, कैल्सियम में क्या करना है, 2.550 माइनस 1.450, और कितनी वैल्यू आई है 1.1, इसकी वैल्यू 1.1 आ गई। और फॉर पी के लिए सॉरी आर के लिए एस टू ले लेता हूँ, उसका ये टॉप में से बॉटम वैल्यू माइनस कर देना है, कितना है 3.550 माइनस 1.345, और वैल्यू कितनी आ गई है 2.205 आया, 2.205। अब आपके पहले आपके लिए केस वन जो लिखोगे पहले, तो आप ये फाइंड आउट कर लो कि P से Q के बीच का डिस्टेंस, अगर मैं बोलूँ फॉर P टू Q के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो उसका डिस्टेंस डी वन इक्वल टू के एस वन प्लस सी, और फॉर P टू R के लिए बोलूँ तो डी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एस टू प्लस सी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे फॉर वैल्यू पुट कर देना, पहले के लिए कितना है 110 डिस्टेंस, देखो यहाँ बोला डिस्टेंस ऑफ क्यू इज 110 मीटर एंड पॉइंट आर इज 220 मीटर फ्रॉम स्टेशन पी, पी से स्टेशन है, ठीक है, मैं डायग्राम बना के भी इसका समझाऊंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। के को के रहने दो, एस वन की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 1.1 और प्लस सी, ये इक्वेशन वन हो गया। दूसरे का डिस्टेंस है 222 के, इसकी वैल्यू है 2.205 और प्लस सी, क्लियर। अब मैंने क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है, सबट्रैक्ट करने मतलब सबकी साइन माइनस हो जाएगी, तो ये कट गया सी, ठीक है, इसमें से इसकी वैल्यू को माइनस करेंगे, तो 2.205 में से मैंने माइनस किया 1.1, तो मेरी वैल्यू कितनी आई है 1.105 आ गया, इसकी वैल्यू आ गया माइनस 1.105 के आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 आ जाएगा, 220 में से 110 माइनस करेंगे तो वो भी माइनस पे, दोनों तरफ का माइनस कैंसिल, अब ये जो मल्टीपल है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं डिवाइड कर लूंगा इस तरफ कर लेते हैं, तो के इक्वल टू क्या हो गया 110 डिवाइड बाई 1.105, डिवाइड कर लेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 110 डिवाइड बाई 1.05, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है 104.76, ये 100 के पास ही रहेगा, 100 के, ठीक है। अब किसी एक में पुट कर दो, जैसे ये 110 था इक्वल टू के 1.1 और प्लस सी था, इसमें वैल्यू हमने पुट कर देना सी की वैल्यू, के की वैल्यू पुट कर दो 10, यहाँ पे 104.76 इंटू 1.1 और प्लस सी, इसको हमने मल्टीपल कर देना, यही वैल्यू में हमने 1.1 का मल्टीपल कर दिया, तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई 115 आ गया, ये 110 है, ये 115 प्लस सी है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5, इतनी आ जाएगी, इतनी आई वैल्यू आ जाती है, मतलब ये जीरो के पास रहता है, इसको एडिटिव कांस्टेंट बोलते हैं, एडिटिव कांस्टेंट होता है, और दूसरा ये जो है इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं, और भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने आते रहेंगे, अभी के लिए धन्यवाद।